तो हेलो आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एंड हीट जो है वो अपने पीक पे है, तो आई रियली होप कि आप लोग सब लोग जो है अपने हाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हो। बहुत ज़्यादा पानी पिया करो, बहुत ज़्यादा पानी पिया करो। उससे क्या होगा कि सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये तो हो गई एक शुरू की टिप टिप कह लो, एक फ्रेंडली एडवाइस कह लो, कुछ भी कह लो। तो बट पानी पीना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में, तो ऐसा ना हो कि आप लोग चक्कर खा के कहीं गिर विर जाओ। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज़ अब जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिया कीजिए। ऑल राइट, ये तो हो गई फ्रेंडली एडवाइस। अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है एक रिव्यू वीडियो एंड आई नो यू गाइज लव माई रिव्यू वीडियोज। लेट मी क्लियर आउट वन थिंग हेयर दैट कि मैं अपने वीडियोज में कोई भी तरह का फिल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ करते हैं एंड देन दे शो आउट द प्रोडक्ट, सो वो जो एक्चुअलिटी है प्रोडक्ट की वो कहीं ना कहीं निकल के नहीं आ पाती। तो मेरी वीडियो में कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं होता एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं वीडियो को वन गो में ही बनाऊँ विदाउट यू नो एडिटिंग द स्टफ्स एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि एक तो मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं होता और दूसरी चीज़ मुझे वो चीज़ सही भी नहीं लगती। दैट अ थिंग यू कैन श्योर अबाउट कि मैं जो भी आपको रिव्यू दे रही हूँ, जो भी शो कर रही हूँ अपनी स्किन पे आपको लगा के, वो बिल्कुल फिल्टर फ्री स्किन होती है। तो उस पर वो जो एक्चुअलिटी है उस प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, या वो जो रेमेडी है वो कितना ज़्यादा यू नो रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी स्किन पे, आप एग्जैक्टली वो देख सकते हो। विदाउट एनी फर्दर एडू आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिन प्रोडक्ट्स का या जिस एक प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट का जिनका हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ये केपले के ब्लशेस। केपले इज़ अ ब्रांड एंड इट इज़ क्वाइट अंडर रेटेड ब्रांड, बट स्टिल आई थिंक कि ये वर्थ वाइल हैं। तो आज हम इनका जो है रिव्यू करने वाले हैं, इनको जो भी है मैं आपको एवरीथिंग इनकी जो है वो डिटेल में बताऊंगी। ये जो ब्लशेज हैं ये तीन शेड में आते हैं, बट आई हैव ऑर्डर दीज टू शेड्स बिकॉज आई हैव दिस फेयर टू मीडियम स्किन टोन। तो जो थर्ड वाला था वो मुझे ऐसा लगा कि वो फेयर स्किन टोन पे है जो वो बेटर जो है वो यू नो रिफ्लेक्ट करेगा। सो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं यूज़ में नहीं आने वाला था, तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये दो ब्लशेज यूज़ करे हैं। तो अब मैं प्राइस बता सकती हूँ, उसका प्राइस है इसका 645, जो कि थोड़ा हाई है। बट लेकिन 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 आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप माइग्लैम की साइट पर जाइए, वहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, सेल्स वहाँ चलती रहती है। सो यू डोंट हैव टू टेक एनी यू नो टेंशन अबाउट दैट। 9 ग्राम जो है इसकी क्वांटिटी है विच इज़ क्वाइट गुड। एंड अदर देन दैट शेल्फ लाइफ की बात करें इसकी, तो शेल्फ लाइफ है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से ज़्यादा की। तो सवा 2 साल के आसपास की इसकी शेल्फ लाइफ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है, तो काफ़ी कलरफुल सी पैकेजिंग है इसकी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐसे करके कुशन पैकेजिंग रिसीव होगी एंड वी ओपन द प्रोडक्ट, सो इट इज़ बेसिकली हैज़ दिस पेस्टल पिंक कलर और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस सी इसकी पैकेजिंग है। एंड लेट मी ओपन द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज़ बेसिकली यू नो रबड़ सॉर्ट ऑफ वाली पैकेजिंग। लेट मी ओपन द प्रोडक्ट, और ये काफ़ी अच्छे से बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यू नो अपने आप से खुल जाएगा एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये रेसबेरी वाली शेड है एंड इट इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस इसकी जो पैकेजिंग है वो है, बट आई रियली थिंक कि जो ये वाली चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है ना, अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं उतर जाएगी, बट दैट डजेंट मैटर एट ऑल। एंड इसकी बैक में ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये जो बॉक्स है इसके बाहर भी ये सेम चीज़ दी हुई है। सो एवरीथिंग इज़ देयर, एड्रेस वड्रेस कंपनी के बारे में और क्या है, 01 फ्रोजन रेसबेरी जो है ये शेड का नाम एग्जैक्ट है। लेट मी ओपन द प्रोडक्ट फॉर यू। ये शेड है, इसके मैं आपको अलग से स्वॉचेस दिखा दूंगी। इनफैक्ट आई विल ट्राई कि अपने फेस पे ही इसी वीडियो में लगा के दिखाऊं, जिससे आपको यू नो एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि लाइक हाउ एग्जैक्टली दिस प्रोडक्ट लुक्स ऑन योर स्किन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग। दूसरी शेड भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ रेसबेरी शेड, फ्रोजन रेड रेसबेरी की शेड है। तीसरी इसमें शेड जो थी वो स्ट्रॉबेरी में थी, तो स्ट्रॉबेरी वाली आई थिंक कि वो जो था थोड़ा सा यू नो फेयर स्किन टोन के लिए था, तो शायद मैं उसको यूज़ ना कर पाती, सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने उसका ऑर्डर नहीं किया। सेम पैकेजिंग है और इसमें सिर्फ यू नो जो शेड है वो अलग है। सो दिस इज़ अ पीच ब्लश। अगर हम इसके एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम की बात करें, सो इट्स 03 स्वीट पीच एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट 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 शेड। लुक एट दिस, आपको दोनों की एक साथ दिखा देती हूँ शेड।
सो आई रियली थिंक कि दीज टू प्रोडक्ट्स जो ये हैं ये एवरी स्किन टोन पे सूट करते हैं. तो दीज टू ब्लशेज विच आई हैव ऑर्डर्ड दे यू नो गो विद एवरी स्किन टोन, चाहे आपकी डस्की स्किन टोन है, मीडियम टू डार्क है. इनफैक्ट ये वाला पीच वाला तो डार्क शेड पे भी बहुत अच्छा लगता है. सो इंडियन स्किन टोन बेसिकली. सो दीज प्रोडक्ट्स कैन गो विद एवरी स्किन टोन. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो तेज़ हैं. तो अगर वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट के बाद लगाने के बाद फेड आउट हो जाती हैं, बट स्टिल अगर आपके सेंसिटिव नोज़ है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो इशू रहेगा. बट स्टिल आई थिंक यू गाइज कैन मैनेज, वो 5-10 मिनट के लिए आप लोग मैनेज कर सकते हो. अदर देन दैट आई हैव अनाउंसमेंट टू मेक. ये प्रोडक्ट तो जितने के हैं उतने के ही रिसीव होने वाले हैं, मतलब जो आपको सेल प्राइस में डिस्काउंट रेट मिलेगा जो भी है. अदर देन दैट अगर आप माइग्राम की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे फ्री लिपस्टिक का सर्वे चल रहा है, आप जाके वो सर्वे ले सकते हो और फ्री 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 वाली लिपस्टिक जो है वो ऑर्डर कर सकते हो. उस फ्री वाली लिपस्टिक का सर्वे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि ताकि आप लोगों को यू नो ईजी हो जाए और आप लोग ईजिली जो है उसको यूज़ कर पाओ. एंड जो फ्री वाला प्रोडक्ट है उसका आप भी यू नो जो है लुत्फ उठा पाओ. ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है. अभी मैं आपको इसके यू नो फेस पे आपको लगा के दिखा देती हूँ. एंड आई एम इन अ बिट हरी, सो मैं एक पे रसबेरी वाला और एक पे जो है पीच वाला वो लगाने वाली हूँ. और फ्रेग्रेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो जो प्रोडक्ट जैसे जैसा है के प्ले की जितने भी है, इफ़ आप इसकी लिपस्टिक्स भी यूज़ करोगे तो आपको वैसी फ्रेग्रेंस आएगी जैसी यू नो वो शेड है. सो दिस इज़ अ पीची शेड, तो इसमें से प्योर पीच की खुशबू आ रही है. एंड इट इज़ रेसबेरी, तो इसमें से रेसबेरी वाली जो है वो फ्रेग्रेंस आ रही है. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ये, बट बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती. 15-20 मिनट में जो है वो मतलब फेड आउट हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो ब्रश की हेल्प से आप इसको आई प्रेफर कि आप इसको यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको लगा पाओगे. तो लुक एट दिस, दिस पीची शेड, लुक एट दिस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. स्किन पर कोई फिल्टर नहीं है, दैट इज़ वाई आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बट इन एक्चुअल लुक इट्स लुकिंग क्वाइट ग्रेट और बहुत ज़्यादा अच्छा है. डस्की स्किन टोन के लिए आई रियली प्रेफर की ये शेड बहुत अच्छी रहेगी. नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड शेड. सेकेंड शेड मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ. एंड दिस इज़ अ रेसबेरी वन. सो लेट मी क्लीन अप द ब्रश थोड़ा सा. नाउ आई एम गोना यूज़ दिस पर्टिकुलर शेड. सो लुक एट दिस, लुक एट दिस. मुझे शायद लगाना थोड़ा सा नहीं आ रहा सही से, बट स्टिल दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड, वेरी ब्यूटिफुल. आई रियली आई लव दिस वन पर्टिकुलरली. ये वाला भी अच्छा है, बट आई प्रेफर कि अगर आप डे के लिए मेकअप कर रहे हो सो गो फॉर रेसबेरी, बट अगर आप नाइट के लिए मेकअप कर रहे हो सो गो फॉर पीची शेड. सो दिस दीज आर द टू यू नो ब्लशेस जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अगर मैं इनके स्टे की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली यू नो 5 से 6 घंटे जो इनका स्टे रहता है. एंड अगर आप यू नो कोई भी मेकअप फिक्सर जो है वो यूज़ कर रहे हो तो आपका ये स्टे जो है वो कॉमन सी बात है बढ़ जाएगा. लेट मी मर्ज आउट ऑफ बेड, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको मर्ज करने की ज़रूरत है अच्छे से. और शायद मैंने प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा उठा लिया था, सो दैट इज़ अ रीज़न, बट आई थिंक ये मर्ज आउट हो जाएगा. ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग गुड. अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि एक साइड पे दूसरा है, एक साइड पे दूसरा है, बट दीज प्रोडक्ट आर क्वाइट यू नो गुड. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, मतलब बहुत ओवर पिगमेंटेड भी नहीं है, बट इट्स रियली पिगमेंटेड. आप चाहो इसे और एकदम से यू नो अच्छा स्कॉच देता है. ये फर्स्ट टाइम यू हैव सीन दिस थिंग, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं उठाया था, बट स्टिल इट वॉज लाइक मुझे था कि थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो आप वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके यू नो आप स्किन पे यूज़ कीजिए, जिससे आपको एक्चुअल जो शेड आप चाहते हो वो आपको रिसीव यू नो हो पाए. सो दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट दीज ब्लशेस. थर्ड वाला जो है वो भी आई ट्राई किया, अगर मैं उसको ऑर्डर करके आप लोगों को दिखा पाऊँ तो, बट बेसिकली आई डोंट थिंक कि मैं उसको यूज़ कर पाऊंगी, तो मुझे उसको किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा. तो आई ट्राई किया गिव अवे वीडियो भी है जो वो हो जाए. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अदर देन दैट आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर द फ्री लिपस्टिक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू गाइज कैन चेक. अदर देन दैट देर आर सो मेनी वीडियोज़ अवेलेबल ऑन चैनल, आप वो सारी वीडियोज़ जाके देख सकते हो. बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे यू नो होम रेमेडीज़ हैं फॉर ग्लोइंग स्किन एंड ऑल दैट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं.
आप वो जाके देख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और लाइक कर दिया करो यार। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना वीडियो में से खोज से जाते हो और वीडियो देखने के बाद आप लोग बाय बाय डाटा बोल के चले जाते हो। तो प्लीज़ ट्राई टू लाइक कॉमेंट एंड यू नो शेयर द वीडियो, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेटेड रहूँ और मुझे लगे कि हम लोग यू नो एज एन फैमिली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द वीडियो। दे आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप एंड दे आर सो मेनी थिंग्स जो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके उसे देख सकते हो। इसके अलावा मैं अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग मुझ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी मेरे पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उन पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, बातचीत कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।